हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चुनाव आते ही याद आते हैं बीजेपी को राम, अब राम ही देंगे इनको सजा, अशोक गहलोत। आगामी विधानसभा चुनाव प्रचार की मैराथन सभा और रैलियों के बाद शनिवार शाम पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन के महासचिव अशोक गहलोत जयपुर पहुंचे। अपने आवास पर बुलाई प्रेस वार्ता के दौरान गहलोत ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और वसुंधरा राजे पर जमकर प्रहार किया। गहलोत ने कहा कि बीजेपी को चुनाव के वक्त ही राम याद आता है, राम से इनकी कोई आस्था नहीं है, बस राजनीति करनी है, इसलिए अब राम ही इनको सजा देंगे। शनिवार को प्रदेश में 7 सभाएं कर जयपुर लौटे गहलोत पूरे उत्साह में नजर आए। उन्होंने वसुंधरा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए प्रदेश की चौपट प्रशासनिक व्यवस्था पर खरी सुनाई। पत्रकारिता विश्वविद्यालय समेत कांग्रेस की कई योजनाओं को बंद करने पर गंभीर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री मोदी की प्रदेश यात्रा को लेकर भी गहलोत ने तंज कसा कि राजस्थान से बीजेपी की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे ने अपनी गौरव यात्रा निकालकर खुद की विदाई तय कर ली है। अब नाक बचाने के लिए बीजेपी के नेता यहां आकर जनता से वोट मांग रहे हैं, मगर जनता अब न मोदी न शाह और ना किसी के बहकावे में आने वाली है। यहाँ की जनता ने बीजेपी को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी केवल राष्ट्रवाद का ढोल पीटते हैं, करते कुछ नहीं है। उन्होंने इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि गांधी ने जान की परवाह किए बिना पंजाब में उग्रवादियों का सफाया किया, जिस कारण खालिस्तान नहीं बन सका। इसी तरह राजीव गांधी ने भी देश के लिए अपनी शहादत दे दी। गहलोत ने कहा कि आरएसएस 1 महीने पहले बोलता है कि राम मंदिर उनका नहीं वीएचपी का एजेंडा है, और अब चुनाव से पहले राम मंदिर की बात करने लगा, ये बीजेपी और संघ का दोगलापन है। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।